and Career School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhra, Madhwadi, Dashashwamedh branches in Varanasi. साहब, एक सूचना आई है कि एक महिला है जो लंका थाना क्षेत्र के साकेत नगर में रह रही है। ये पता चला है कि ये चीनी है और 21 तारीख से ये यहाँ आके रह रही है। क्या मामला है पूरा करना? ये सूचना मिली पुलिस को भी, इसकी प्रारंभिक जांच हुई है। जो जुआ करके महिला है, 31 ईयर्स की है, चाइना से वीज़ा इंडिया का लेकर 31 जनवरी को ये आई है दिल्ली में, वहाँ से फिर बनारस आई है, ट्रेवल वीज़ा पर है और यहाँ लॉकडाउन में फंस गई है। इनकी थर्मल स्कैनिंग जांच के लिए मेडिकल टीम को बता दिया गया है और अभी लॉकडाउन कारण जा नहीं पा रही है। ये कब से यहाँ पे रुकी हुई? ये यहाँ पर 29 जनवरी को दिल्ली आई थी, उसके 3 दिन बाद इनका कहना है ट्रेन से बनारस आई थी। इससे पहले भी बनारस आ चुकी 3 साल पहले और भारतीय संस्कृति से लगाव है इनको थोड़ा, तो बनारस में अध्यात्म और पूजा वूजा चक्कर में ही आई हुई है। लगभग ये कम से कम 15 से 20 दिन हो गया इनको यहाँ रहते, क्या इसके बारे में जिस फ्लैट के ऑनर हैं उनके द्वारा कुछ सूचना उपलब्ध कराई गई थी? नहीं, अभी तक ये जानकारी आ रही है कि दिल्ली से भी आई थी तो वंडा स्टेशन गेस्ट हाउस है बंगाली टोला, वहाँ रुकी थी। तो जब लॉकडाउन हुआ तो होटल बंद हो गया तो इन्होंने वो होटल छोड़ दिया था जो बता रही हैं, और उसके बाद इन्होंने ऑनलाइन एक संभव चतुर्वेदी करके हैं जिनका अपार्टमेंट है वहाँ पर, अपार्टमेंट जो साकेत नगर में है, फिर उन्होंने उनसे ऑनलाइन बुकिंग करके वहाँ पर कमरा लिया और वहाँ पर रह रही है लगभग 22 तारीख से। ये संभव चतुर्वेदी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? जिस तरह एक विदेशी को ला के ठहराया गया वहाँ पे चीन में, जिस तरह कोरोना वायरस ने अपना कहर ढाया है और इनके द्वारा ये बताया भी नहीं गया कि ये ला के चीनी महिला को यहाँ रखा गया है, तो इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? ये जानकारी में भी जो प्रारंभिक जाँच हुई है कि पाया जा रहा है कि जो फ्लैट है समझता इनके नाना का है और ये यहाँ पर लोगों को रुकाते रहते हैं 5-6 दिन के हिसाब से, पीजी के हिसाब से, लेकिन इनका फ्लैट रजिस्टर्ड नहीं है। इसकी जांच चल रही है, इसकी जांच इंस्पेक्टर लंका को दिया गया है और जांच कर 1-2 घंटे उसमें जो धारा बने मुकदमा कायम किया जाएगा। क्योंकि ये मामला तो ये है कि ये रेजिडेंशियल एरिया है, वो पूरा एरिया, उसमें एक पेइंग गेस्ट के तौर पे एक महिला को रोक देना, इससे पहले भी हो सकता है कुछ विदेशी आते जाते हों या किसी भी तरह के कोई लोग आते जाते हों, तो इस बाबत इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है? बिल्कुल, इनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाएगा। मैं काफ़ी प्रारंभिक जांच बात पुष्टि हुई है, तत्कालिक जाँच पड़ताल की गई, इसके पहले भी इन्होंने किसी को रोका है और इस संबंध में बात भी आ रही है कि इन्होंने वहाँ लोकल व्यक्ति और जो केयर टेकर था उससे बात छुपाई है कि ये चीन की थी, तो शीघ्र इसमें जांच पूरी करके LIU से भी क्षमा मांगी गई है, शीघ्र इसमें मुकदमा कायम होगा। ये संभव चतुर्वेदी इस समय हैं ये, इनसे भी वार्ता हुआ है पुलिस का, तो जानकारी हुआ कि है इसमें बिहार में लॉकडाउन में फंसे हुए हैं पटना में। ये महिला के बारे में जो है क्या इसकी कोई थर्मल स्कैनिंग हुई है अभी तक? महिला स्वस्थ है, बातचीत हुआ था इसके लिए टीम को निश्चित कर दिया है, सीओ से बात हुई है, अभी बहुत ही जल्दी इनका परीक्षण हो जाएगा। परीक्षण के बाद क्या इनको कहीं शिफ्ट किया जाएगा या वहीं छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि सभी होटल बंद है, वो देखा जाएगा प्रशासन से निर्णय करके अपार्टमेंट रहेंगी या वो कहाँ जाना चाहती हैं, जो समुचित जगह होगी महिला के लिए वो किया जाएगा। अजय शर्मा, B11 कुबेर हाउस, साकेत नगर, वाराणसी। अजय जी, ये क्या मामला है किसी चीनी महिला के यहाँ? ये एक अवैध रूप से B12 जो संभव चतुर्वेदी जी का है, ये अवैध रूप से गेस्ट हाउस चला रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग करते हैं और एक चीनी महिला को इन्होंने रखा है जिसकी जानकारी पूरे अपार्टमेंट में किसी को नहीं थी, और इस तरह से ये पूर्व में भी जो है कई लोगों को लाए और बताते हैं कि उनके परिचित हैं या उनके रिश्तेदार हैं, और ला के इसी तरह से कई अंग्रेज को भी लाए कि मेरे मित्र हैं, कई बार इस तरह कर चुके हैं, और कमेटी में भी ये बात उठाई गई लेकिन कमेटी ने उनको टोका है, लेकिन फिर भी उनके सुधार कोई नहीं हो रहा है, और अभी तो अवैध रूप से बिना जानकारी के पूरे कमेटी या सोसाइटी के ये 27 लोगों के परिवार के जान जोखिम में डाल दिए हैं। आपके द्वारा जिला प्रशासन को या स्थानीय पुलिस को सूचना दी? हम लोग को जानकारी नहीं थी कि चीनी है, इसलिए जिला प्रशासन या स्थानीय पुलिस को, जब हमको कल जानकारी हुई LIU से कि इनका पासपोर्ट भी निरस्त हो चुका है, सारी चीज़ें इनका ख़त्म हो गया है, तब हमने जाके शाम को पुलिस को जो है अपनी तरफ से भी आग्रह किया कि अगर हम लोग की कहीं भी आवश्यकता है तो 2700 परिवार खड़ा है। स्थानीय पुलिस आई थी? हाँ, स्थानीय पुलिस भी आई थी, CO साहब भी आए थे।
आप लोग भी बराबर आ रहे हैं, क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया गया? अभी उन्होंने कहा कि जब तक इनका टेस्ट नहीं हो जाता है तब तक कुछ कहना मुश्किल है। और 21 मार्च से ये यहाँ पे रह रही है। ये सैनिटाइज के लिए बोला गया है? सैनिटाइज के लिए है कि पहले तो अपनी सोसाइटी करवाए, अगर सोसाइटी, क्योंकि गरीब बस्तियाँ बहुत सारी हैं, अगर सोसाइटी इतनी बड़ी 28 परिवार की सोसाइटी, अगर वो असमर्थ है तब भाई सरकार से मदद मांगी जाएगी। आप लोगों को किसके द्वारा सूचना मिली कि ये महिला? ये हमको कल जब पुलिस आई है सुबह तब जाके जानकारी हुई कि यहाँ पे एक चीनी महिला है। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पत्रिका बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा पहाड़िया वाराणसी।